आप देख रहे हैं सियासत। अगले साल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिससे सियासी गलियों में जोड़ घटाव के दाव पेंच शुरू हो गए हैं। इसी बीच सियासी बाजार में एक ऐसी खबर उड़ने लगी है जिसे सुन सीएम शिवराज जरूर चिंतित होंगे। नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं मृदुभाषी की खास पेशकश सियासत। कुछ दिनों पहले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इंदौर दौरे पर रहे थे, जिस दौरान उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के घर जाकर सबको चौंका दिया। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भाजपा संसदीय बोर्ड से हटा दिया गया है, जिसके बाद सीएम शिवराज ने दिल्ली का दौरा कर भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की। लेकिन इन खबरों का मतलब क्या है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो यह कि सीएम शिवराज पिछले कई समय से मुख्यमंत्री चेहरा रहे हैं, लेकिन पार्टी के साथ जनता की ओर से भी बीच बीच में नए चेहरे के लिए मांग बढ़ती दिखाई दी है। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस का साथ भी मुख्यमंत्री पद न मिलने के कारण छोड़ा था। इसके बाद से राजनीतिक एक्सपर्ट्स लगातार यह कयास लगा रहे हैं कि असम की तरह एमपी में भी ज्योतिरादित्य सिंधिया मुख्यमंत्री चेहरा बनाए जा सकते हैं। लेकिन शिवराज की समस्या केवल ज्योतिरादित्य सिंधिया नहीं है। दरअसल शिवराज की ही कैबिनेट में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा उनके प्रति स्पर्धा माने जाते हैं। खरगोन दंगे के बाद नरोत्तम मिश्रा काफी दबंग राजनेता बनकर सामने आए हैं। उसके बाद से नरोत्तम मिश्रा युवाओं और हिंदू समाज में भी दिन ब दिन लोकप्रिय होते जा रहे हैं। वहीं प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा के समर्थक अपने भाई साहब की ताजपोशी की शर्त लगा रहे हैं। इसी के साथ हमें उस बयान पर भी गौर करना चाहिए जो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इंदौर दौरे के दौरान दिया था। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा था कि कैलाश विजयवर्गीय के मार्गदर्शन में आगे बढ़ेंगे, मैं नए जोश के साथ काम करूंगा। इस बयान के मायने निकाले गए कि कहीं सिंधिया कोई नई जिम्मेदारी तो नहीं संभाल रहे हैं। दरअसल कैलाश विजयवर्गीय हमेशा से शिवराज के समांतर चलने वाली रेल की पटरी की तरह देखे गए हैं, जो कितनी ही दूरी के साथ चले लेकिन एक दूसरे से अलग ही रहते हैं। इसी बीच भाजपा संसदीय बोर्ड से शिवराज की विदाई हुई तो कई तरह के कयास लगाए जाने लगे। राजनीतिक एक्सपर्ट्स ने अपने दावों की पुष्टि करते हुए कहा कि मोदी शाह की टीम में शिवराज नहीं गिने जाते हैं। वहीं 2018 में शिवराज ने अपने दम पर चुनाव लड़ा था और वह हार गए थे, जिसके कारण अब सूत्रों के हवाले से खबर सामने आने लगी है कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव भाजपा पीएम मोदी के चेहरे पर लड़ेंगे, जिससे भी मुख्यमंत्री की कुर्सी शिवराज से दूर हो सकती है। शिवराज जनता के नेता कहे जाते हैं, उनकी मामा शिवराज वाली छवि अभी तक उनके लिए काम करती हुई नजर आई है, लेकिन आने वाले चुनाव से पहले कई उलटफेर हो सकते हैं। फिलहाल आज के सियासत में इतना ही। आपके सामने फिर जल्द हाजिर होंगे किसी और दिलचस्प राजनीतिक खबर, किस्से और विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए बने रहिए मृदुभाषी के साथ। आप देख रहे हैं सियासत।